इसका सिक्स नंबर देखते हैं। सिक्स नंबर में देखिए दिया हुआ है थ्री कॉस स्क्वायर एक्स माइनस का टू रूट थ्री साइन एक्स कॉस एक्स माइनस का थ्री साइन स्क्वायर एक्स इक्वल, इसमें से मल्टीप्लाई माइनस का नाइन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। इसका फैक्टर करना होगा, देखिए थ्री कॉस स्क्वायर एक्स माइनस का थ्री रूट थ्री साइन एक्स कॉस एक्स और फिर यहाँ प्लस का रूट थ्री साइन एक्स कॉस एक्स माइनस थ्री साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू में जीरो। इन दोनों में से क्या कॉमन है, थ्री कॉस एक्स कॉमन है, थ्री कॉस एक्स कॉमन है, तो यहाँ पे बच जाएगा आपका कितना कॉस एक्स माइनस का रूट थ्री क्या बचेगा साइन एक्स बच जाएगा, ठीक है, प्लस यहाँ पे इन दोनों में से कॉमन क्या है, तो यहाँ पर रूट थ्री यहाँ पे कॉमन कर सकते हैं हम लोग साइन एक्स, तो यहाँ पे बच जाएगा आपका कॉस एक्स माइनस रूट थ्री साइन एक्स इक्वल टू में जीरो। दोनों ब्रैकेट में सेम है, कॉमन कर लेते हैं कॉस एक्स माइनस का रूट थ्री साइन एक्स को, तो यहाँ बच जाएगा आपका थ्री कॉस एक्स और प्लस का रूट थ्री साइन एक्स इक्वल टू में जीरो। अब इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं, अलग अलग करते हैं, यहाँ पर कॉस एक्स माइनस रूट थ्री साइन एक्स इक्वल टू में जीरो और थ्री कॉस एक्स प्लस का रूट थ्री साइन एक्स इक्वल टू में जीरो। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर देखते हैं, इसको इधर ले जाते हैं, ठीक है, तो कॉस एक्स इक्वल टू में रूट थ्री साइन एक्स हो जाएगा, या जाएगा तो नीचे कॉस बाई साइन कॉट कर देंगे या टेन में भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, रूट थ्री, तो यहाँ से ये कॉट एक्स इक्वल टू में रूट थ्री हुआ, ठीक है। इसको भी सॉल्व कर ले क्या, यहाँ पे पहले थ्री कॉस एक्स इक्वल टू में यहाँ पर रूट थ्री माइनस का साइन एक्स, तो यहाँ कॉस एक्स बाई साइन एक्स इक्वल टू में माइनस रूट थ्री बाई थ्री कट जाएगा, वन बाई रूट थ्री आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए ये भी हो जाएगा कॉट एक्स इक्वल टू में माइनस वन बाई रूट थ्री। अब देखिए कॉट एक्स इक्वल टू में रूट थ्री है तो रूट थ्री आपका इसका होता है कॉट कॉट पाई बाई सिक्स का, तो इसके लिए हम लोग कॉट एक्स इक्वल टू कॉट अल्फा हो तो एक्स इक्वल टू में क्या हो जाता है एन पाई प्लस अल्फा, टेन वाला ही है सेम, यानी कि पाई बाई सिक्स, एन बिलोंग्स टू जेड। अच्छा यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉट एक्स इक्वल टू में ये किसका वैल्यू होता है तो कॉट माइनस पाई बाई किसका, तो ये पाई बाई थ्री का, माइनस पाई बाई थ्री का, तो एक्स इक्वल टू में हो जाएगा एन पाई माइनस पाई बाई थ्री, एन बिलोंग्स टू जेड। क्लियर है, समझ गया, कोई दिक्कत नहीं है, चलिए अब इसका